भारत पौराणिक काल से ही सनातन धर्म को मानने वाला देश है। भारत में लोग देवी देवताओं का पूजन करने के साथ साथ ऋषि मुनि व पंडितों को भी आराध्य का दर्जा देते हैं। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है, इसके साथ ही गाय को भी माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही भारत के लोग नदियों के प्रति भी अटूट आस्था रखते हैं। आदिकाल से ही गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों को शास्त्रों में माँ का दर्जा दिया हुआ है। सहारनपुर के लोग अपनी पूजा पाठ और स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन अब सहारनपुर में भी गंगा यमुना का संगम होने लगा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंचकर स्नान, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर शामली जनपद की सीमा पर बसे गांव कुआखेड़ा में गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। लगभग 10 साल पहले सहारनपुर से होकर जा रही गंगा यमुना नदी अब कुआखेड़ा गाँव में जाकर मिल गई। तब जाकर लोगों को पता चला कि हरिद्वार प्रयागराज की तरह सहारनपुर में भी दो नदियों का संगम है और उनको पूजा पाठ करने के लिए अब हरिद्वार नहीं जाना पड़ता। वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्थानीय स्तर पर दोनों नदियों का मिलन होगा, यहां पर ऐतिहासिक संगम होगा। अब यह क्षेत्र संगम के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। हर साल यहाँ पर एक विशाल मेले का भी आयोजन होता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये मान्यता इसकी है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ पर गंगा जी और जमुना जी दोनों की धार अलग अलग हैं, यहाँ पर आते हैं और जो पूजा पाठ करना होता है कर लेते हैं। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, ये दशहरे पर लगता है, जहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए और जो पूजा पाठ करनी होती है उसके लिए पूजा पाठ में करते हैं। यहाँ भी पूजा पाठ ऐसी होती है, जैसे जो गरीब लोग हैं जो हरिद्वार भी नहीं जा पाते वह अस्थि भी यहीं पर विसर्जित करते हैं, और जो पितृ वगैरह की जो भी पूजा होती है वे उसके लिए पूजा यहाँ पर कर लेते हैं। मेले में तो यहाँ लाखों लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। पैड़िया जैसे हरिद्वार पर बनी है, अर्की पौड़ी बनी हुई है, वैसे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है यहाँ। सर जी, ये संगम जिला शामली जिला सहारनपुर के बीच बना हुआ है। यहाँ की आस्था बहुत अच्छी है लोगों की। यहाँ जैसे कि आप दशहरा का मेला लगा लो, दशहरा के मेला पे लाख दो लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ स्नान के लिए, और जब पितरों की पूजा होती है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत से लोग हरिद्वार में जाके यहाँ पे अपने हर की पौड़ी को मानते हैं। हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ दुकान की, खान पीन की, हर चीज़ की व्यवस्था है। बड़ा एक पर्यटन स्थल में नाम भी आने लगा है इनका। यहाँ पर बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। नाम भी कुआखेड़ा संगम, गेंदवड़ा संगम से नाम से लोग जाना जाता है इस स्थल को।